घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। डंडई क्षेत्र से हमारे संवाददाता आमिर हसन अंसारी की रिपोर्ट। पलामू में घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या का मामले सामने आया है। मामले में पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पलामू जिले के हैदरनगर थाना इलाके में एक लड़की का शव उसके घर से बरामद किया गया। उसके परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। इसके अलावा पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। जानकारी के अनुसार लड़की के परिवार के सभी सदस्य रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गए थे। 17 वर्षीय नाबालिग और उसकी एक छोटी घर में थी। उसे अकेले देख एक युवक उनके घर में घुस गया, जबकि दो लोग बाहर निगरानी कर रहे थे। लेकिन जब काफी देर तक युवक घर से बाहर नहीं निकला तो बाहर निगरानी कर रहे युवकों ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। लोगों को घर के बाहर जमा होते देख युवक वहां से फरार हो गया। इसके बाद जब ग्रामीण घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की मृत पड़ी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही हैदरनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक के पिता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला दर्ज करवाया है। वही थाना प्रभारी अजीत कुमार मुंडा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की जानकारी मिलेगी। शुक्रिया, मैं महिमा सिंह और आप देख रहे थे डेली न्यूज झारखंड।